वालेकुम वेलकम टू अंजुम नेटवर्क दोस्तों क्या अब हम व्हाट्सअप इस्तेमाल ना करें क्या हमारा डाटा अब महफूज नहीं रहा क्या अब हमारा डाटा बेचा जाएगा वाट्सअप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की क्या हकीकत है क्या अब वाट्सअप के अलावा कोई और ऐसी ऐप्स हैं जो हम व्हाट्सअप की जगह पर यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मुस्तबिल में दुनिया के क्या हालात हो सकते हैं हमें कोई कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें तो दोस्तों व्हाट्सअप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की हकीकत हमें खुद पता बता दी है फेसबुक वालों ने ही वो कैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर एट फेसबुक विलियम कैथकॉर्ड ने तीन ट्वीट्स किए हैं जिसमें उसने व्हाट्सअप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दी है उसका पहला ट्वीट उसका दूसरा ट्वीट ये तो आम है लेकिन जो उसका तीसरा ट्वीट है उसमें छुपी है सारी कहानी जितने भी राज हैं वो विलियम कैथकार्ड के थर्ड ट्वीट में छुपे हैं क्या हैं वो राज क्या है वो कहानी वो भी हम जानेंगे लेकिन पहले हम बात करते हैं विलियम कैथकार्ड के पहले दो ट्वीट्स के बारे में पहले ट्वीट में विलियम कैथकार्ड कहता है कि हम पूरी दुनिया में टू बिलियन लोगों को वाट्सअप की सहूलत मयसर कर रहे हैं जिससे वो अपने प्यारों के साथ एंड टू एंड इनक्रप्शन चैट्स और कॉल्स कर सकते हैं और इस एंड टू एंड इनक्रप्शन को ख़त्म नहीं किया गया अब एंड टू एंड इनक्रप्शन का मतलब क्या है एंड टू एंड इनक्रप्शन का मतलब ये है कि आप जो भी प्राइवेट कॉल्स और चैट्स करते हैं वो या तो आप उनको देख सकते हैं या सुन सकते हैं या जिसके साथ आप कर रहे हैं और सुन रहे हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो इसको देख सकता है या सुन सकता है कोई थर्ड पार्टी इवन के व्हाट्सअप भी उसको नहीं देख सकती ना सुन सकती है ठीक है तो ये है एंड टू एंड इनक्रप्शन तो बात ये है कि अगर एंड टू एंड इनक्रप्शन सेफ़ है अगर हमारी प्राइवेट कॉल्स और चैट्स लीक नहीं होती हम दो बंदों के अलावा एक हम दूसरा जिससे हम रबता कर रहे हैं इन दो के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं उसको सुन सकती नहीं देख सकती तो भाई न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का पंगा क्यों डाला है ये फिर ये इतना बड़ा रोला डालने की ज़रूरत ही क्या थी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना कहानी तो है बीच में तो वो क्या है वो ये है कि आपको पता होगा कि व्हाट्सअप फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों आपस में ये तीनों जो हैं एक ही ऑनर के अंडर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया था 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया था 2010 में इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था आज से सात साल पहले यानी 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी ख़रीद लिया था तो मार्क जगरबर्ग ने 2018 में अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तीनों इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम को आपस में इंटीग्रेट कर दूं, आपस में इंटर रिलेट कर दूं कि इनका जो डाटा है वो आपस में इंटरचेंजेबल हो ठीक है क्या अब इस तरह डाटा इंटरचेंजेबल होने से व्हाट्सअप का डाटा फेसबुक के पास जाएगा उसके बारे में भी विलियम कैथकॉ ने ट्वीट किया है कि विद एंड टू तो एंड इनक्रप्शन नॉट इवन व्हाट्सएप नॉट फेसबुक कैन एक्सेस योर चैट्स एंड कॉल्स यानी उसने ये कहा है कि एंड टू एंड एंड के साथ आपकी जो भी प्राइवेट चैट्स हैं और आपकी जो कॉल्स हैं उनको ना व्हाट्सअप देखो सुन सकती है ना उनको फेसबुक देख और सुन सकती है तो अगर भाई बात इतनी सीधी सी थी तो फिर ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का पंगा है क्या तो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का जो पंगा है वो है विलियम कैथकार्ड के थर्ड ट्वीट में लेकिन उस ट्वीट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक नुक्ता समझाने की कोशिश करता हूँ उसको समझिएगा गौर के साथ विलियम कैथकार्ड ने यह कहा है कि वी हैव जस्ट अपडेटेड आवर प्राइवेसी पॉलिसी टू तो बी ट्रांसपेरेंट एंड टू तो बेटर डिस्क्राइब द ऑप्शनल पीपल टू तो बिजनेस फीचर्स अब ये बिजनेस फीचर्स क्या हैं हम अब विलियम कैथकार्ड के थर्ड ट्वीट से कहानी निकालते हैं जो राज छुपे हैं वो राज हम अब बाहर निकालते हैं बिज़नेस फीचर्स का ये मतलब है आपने अभी तक अगर तजर्बा नहीं किया तो आप अब भी तजर्बा कर सकते हैं आप मोबाइल रख दें साइड पर अपने दोस्त के साथ आप बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं यार अब मैंने न्यू शूज़ लेने हैं मैंने न्यू कपड़े लेने हैं या मैंने अपने घर को पेंट करवाना है ठीक है मोबाइल आपका साइड पे पड़ा है फेसबुक बंद है लेकिन आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम फेसबुक ऑन करेंगे पॉपअप्स में आपको एड्स आएंगे जो वो उन एड्स में या तो शूज़ होंगे या कपड़े होंगे या पेंट होगी क्यों उन्होंने आपको ये एड्स क्यों दिखाए यही तो कहानी है भाई सारी यही तो बिजनेस फीचर्स हैं कि एक बात हम याद रखें जैसा कि सर हिशाम सरवर साहब भी कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर द एक्चुअल प्रोडक्ट अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट नहीं कर रहे आप उसको फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि एक्चुअल प्रोडक्ट तो आप खुद हैं वो प्रोडक्ट आपको यूज़ कर रही है और यही काम यहाँ पे हो रहा है कि हमारा इंटरेस्ट जो है हमारी कॉल सुनी भी जाती हैं हमारी बातें भी सुनी जाती हैं हमारी चैट्स भी पढ़ी जाती हैं उस हमारे इंटरेस्ट बेस पर हमारे लिए एड्स बनाए जाते हैं ठीक है यूज़र डाटा जो होता है ना किसी भी यूज़र का वो किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू मॉडल की हैसियत रखता है उस रेवेन्यू मॉडल के को देखते हुए कंपनी जो है वो एड्स बनाती हैं एडवर्टाइज़मेंट करती हैं अब यही काम इन्होंने किया है कि व्हाट्सअप से भी आपका जो इंटरेस्ट है वो फेसबुक तक जाएगा अब ये कैसे है ये मिसाल के तौर तो पर ऐसे समझें कि मैंने फेसबुक पे पेज लाइक किया है बुक्स रीडिंग का या पोट्री का ठीक है तो मुझे जो भी एड्स आएंगे वो या तो बुक्स से रिलेटेड होंगे या पोट्री से रिलेटेड होंगे क्यों क्योंकि फेसबुक ने मेरा इंटरेस्ट जो है वो नोट कर रही है मेरे यूज़र डाटा में मेरा इंटरेस्ट गया है कि मैं बुक्स रीडिंग को या पोट्री को पसंद करता हूँ उस हिसाब से फेसबुक ने वो उसका एक रेवेन्यू मॉडल बना लिया कंपनी को दिया कंपनी ने उस हिसाब से मेरे लिए ऐड बना दिए कि ये बुक्स के ऐड हैं ये पोइट्री के एड्स हैं ठीक है इसी तरह ये जो यूज़र डाटा है ये पहले से ही पहले दिन से ही जिस दिन हमने व्हाट्सअप पे लॉगिन किया जिस दिन हमने फेसबुक पे साइन इन किया जिस दिन हमने इंस्टाग्राम पे किया जिस दिन हमने ट्विटर पे किया हमने जी का अकाउंट बनाया हमने गूगल क्रोम इवन यूज़ किया हमारा डाटा पहले दिन से ही इनके पास जा रहा है हमारा डाटा पहले से ही इनके पास जा रहा है हमारी एक बैकअप प्रोफाइल हमारे यूज़र डाटा के साथ पहले से उनके पास मौजूद है तो फिर प्रॉब्लम किस बात में है प्रॉब्लम ये है कि पहले फेसबुक डायरेक्ट सिर्फ अपने यूज़र्स का यूज़ करती थी अब फेसबुक व्हाट्सअप के यूज़र का भी डाटा जो है यूज़र डाटा वो यूज़ करेगी कंपनीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए ठीक है तो अब ये है कि अगर डाटा हमारा पहले से ही ऐसे जा रहा था लीक हो रहा था तो फिर अब न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का पंगा क्यों डाला वैसे ही काम चलता रहता तो बात यह है कि बहुत सारी मजबूरियों की वजह से फेसबुक को अब ये काम करना पड़ा है क्या कि पहले वो हमारा डेटा ले रहे थे इनडायरेक्ट तरीके से बिना हमें बताए ठीक है लेकिन बार बार उनको कंप्लेंट्स हुई हैं बार बार उनको क्या कहते हैं कि बुलाया गया है उनको तलब किया गया है कांग्रेस में तो अब उनको ये चीज़ ट्रांसपेरेंट करनी पड़ी है यही बात है विलियम कैथकार्ड के तीसरे ट्वीट में कि वी हैव जस्ट अपडेटेड आवर प्राइवेसी पॉलिसी टू बी ट्रांसपेरेंट अब उनको ये चीज़ ट्रांसपेरेंट करनी पड़ी है भाई अब वो इनडायरेक्ट तरीके से खुफ़िया तरीके से बिना हमें बताए हमारा डाटा नहीं लेंगे बल्कि अब हमें वो हमें बता कर हमें लेंगे अब उन्होंने ये चीज़ ट्रांसपेरेंट कर दी है सिर्फ ये पंगा डाला गया है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में कि अब इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है काम पहले भी वही हो रहा था काम अब भी वही हो रहा है काम सिर्फ इतना फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि प्राइवेसी पॉलिसी को अब ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है कि अब हमें पता है कि हमारा डाटा इस तरह से यूज़र डाटा जो है रेवेन्यू मॉडल के तौर पे यूज़ होगा इस तरह से हमारा डाटा जाएगा पहले हमें पता नहीं था बल्कि मैं आपको मश्रा दूंगा कि अगर आप अपने लैपटॉप पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आप कैमरा यूज़ नहीं कर रहे तो अपने कैमरे के ऊपर टेप लगा दें जी हाँ क्योंकि हर यूज़र जानता है पहले दिन से ही ये बात हमें पता होनी चाहिए थी कि इफ़ वी आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट दैन वी आर द प्रोडक्ट जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं हैकिंग भी होती है ट्रैकिंग भी होती है डाटा भी जाता है सब कुछ होता है मार्क अगरबग ने भी यही काम किया हुआ है उसने टेप लगाई हुई है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी ठीक है तो हम तो पहले दिन से ही डाटा हमारा उनके पास जा रहा है बस अब उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है तो अगर आप मतलब इस चीज़ को अभी चेक करना चाहते हैं आपको यकीन नहीं है तो आप इसको तजर्बा भी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑफ़ कर दें लोकेशन ऑफ है आप गूगल क्रोम ओपन करें कोई भी चीज़ आप सर्च करें कोई टॉपिक सर्च करें उसको आप स्लाइड अप करें और सबसे लास्ट में जाके देखें वहाँ पे आपकी लोकेशन भी दी होगी वहाँ पे आपकी डिवाइस भी दी होगी कि इस डिवाइस से आपने इस लोकेशन से ये टॉपिक सर्च किया है जी हाँ डाटा तो उनके पास पहले से जा रहा है तो अब बस इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है अब बात यह है कि इस तरह ट्रांसपेरेंट करने में और इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में हमारा क्या नुकसान हो सकता है और हमें अब क्या करना चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है परेशानी की कोई बात नहीं है कोई फिक्र की बात नहीं है हमारा डाटा पहले भी उनके पास जा रहा था हमारा डाटा अब भी उनके पास जा रहा है तो हमारा डाटा कोई इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है उन गौरों के लिए ठीक है दो तरह के इसमें खास लोग तबके हैं मतलब बिज़नेस मैनस हैं या किसी भी मुल्क को चलाने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं हकूमती इदारे हैं वो लोग हैं उनका जो डाटा है वो इम्पोटेंट होता है और वो मैं आपको बताऊं कि वो लोग ये एप्स यूज़ कर ही नहीं रहे जी हाँ वो ये एप्स यूज़ नहीं कर रहे उनका डाटा इम्पोटेंट होता है उनको नुकसान हो सकता है लेकिन आम आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई नुकसान नहीं हो सकता आप जैसे पहले यूज़ कर रहे थे आप इसको अब भी वैसे यूज़ कर सकते हैं हाँ अगर आप साइबर क्राइम अलर्ट्स में मुलवस है अगर आप पोर्नोग्राफी का डाटा शेयर करते हैं अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का ज़्यादा तौर पे करते हैं ठीक है अगर आप मजहबी या सियासी तफरकाबाजी और दहशत गर्दी वाले कामों में मुलवस हैं तो फिर आप इन चीज़ों से बच जाएँ इन चीज़ों को रिमूव कर दें ऐसा डाटा से दूर रहें ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है और ये तो पहले भी आपको इस बारे में आगाह किया गया है बाकी उसके अलावा आपकी जो प्राइवेट कॉल्स हैं जो प्राइवेट चैट्स हैं उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आपको फ़र्क पड़ेगा ना उनको कोई सरोकार है उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप अभी भी स्ट्रेस में हैं परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें और कोई लोकल ऐप यूज़ करें तो बहुत सारी लोकल ऐप्स हैं जैसे टेलीग्राम है लेकिन मेरे दोस्तों ये बताएं कि क्या इस बात की गारंटी है कि लोकल ऐप आप आपका डाटा महफूज रखेगी अगर बाद में पता चले कि पांच पाँच हजार रुपये में डाटा आपका बेचा जा रहा है फिर आप क्या करेंगे देखें ना ऐपल जो है वो एक ब्रांड है एक नाम है एक बहुत फेमस है अगर उसको कटहरे में खड़ा करके उसको भारी जुर्माना किया जा सकता है तो हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं यार हमारे पास तो अभी वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है हमारे पास अभी वो इस्टेबलिशमेंट नहीं है तो हमारे पास क्या गारंटी है कि लोकल ऐप्स हम इस तरह यूज़ करें हाँ हकूमती सतह पर अगर इस तरह का कोई काम हो सकता है जैसे तुर्की वालों ने किया है तो बहुत बेहतरीन है फिर हम करेंगे ठीक है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्हाट्सअप आपका डाटा जैसे पहले ले रही थी वैसे ही अब लेगी बात सिर्फ ये है कि अब उन्होंने आपको इस बात से आगाह कर दिया है इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया है ठीक है मुस्तबिल का एक मंज़र आपको मैं पेश करूँ इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद क्या होने वाला है बहुत मज़ेदार है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सुनेंगे आपका स्ट्रेस सारा ख़त्म हो जाएगा आपकी टेंशन सारी ख़त्म हो जाएगी वो क्या है वो ये है कि कैलिफोर्निया में फेसबुक के हेड ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है वहाँ पर टेली कम्यूनिकेशन के आईटी के, आई के खुफ़िया एजेंसीज़ के सारे लोग मौजूद हैं सारे अफसर मौजूद हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं सर पकड़ कर बैठे हैं परेशान हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कॉल ट्रेस की है इस न्यू व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी के तहत उनको एक ऐसी कॉल मिली है जिसकी ड्यूरेशन तो छः सात घंटे है लेकिन उनका आवाज़ कोई नहीं आ रही सिर्फ़ सांसों की आवाज़ आ रही है अब वो परेशान है कि सांसों के ज़रिए कौन सा कोड कौन सी खुफिया मालूम कौन सा राज भेजा जा रहा है इसमें कौन सी मालूम शेयर की जा रही हैं और ये कौन सा तरीका है मालूम शेयर करने का सांसों के ज़रिए हम कैसे इसको डिकोड करें कैसे हम वो राज इसमें से अखज़ करें बहुत परेशान हैं उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें आखिरकार जब उनको कोई और राह ना सूझी तो उन्होंने फैसला किया कि एक बार दोबारा इसको फास्ट रिवाइंड करके शुरू से सुनते हैं शायद वहाँ से हमें कोई क्लू मिल जाए कोई मिल जाए कुछ सुराग हमें तो उन्होंने ऐसे किया और उनकी खुशी की इंतहा न रही जब स्टार्ट में उन्हें वाकई ही एक आवाज़ मिल गई जब उनको वो आवाज़ मिली वो बड़े खुश हुए कि अब हमारे हाथ कोई बड़ा ख़ज़ाना लगेगा कोई बड़ी मालूम हमारे मिलेगी कोई ऐसा राज मिलेगा बहुत कीमती हो सकता है जो इस दुनिया को बदल के रख देगा दुनिया का नक्शा बदल देगा पता नहीं क्या होगा सांसों के ज़रिए जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था जो भेजा जा रहा था तो उन्होंने वो कोड जब उनको जो मिला वो पैगाम शुरू में थोड़ी सी आवाज़ उनको मिली वो आवाज़ थी उर्दू में ठीक है तो उन्होंने पाकिस्तान के एक तर्जमान को वहाँ पे काम करने वाले को बुलाया कि अब आप, आप इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं तो तर्जमान ने जब वो बात सुनी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बता दिया जिसको सुनने के बाद वो सारे फिर सर पकड़ कर बैठ गए वो क्यों किस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के तर्जमान ने जो ट्रांसलेट किया था वो फ़िक्रा ये था जानू तुम सो जाओ लेकिन काल बंद ना करना मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ यह फिक्र सुनना था कि मार्क जगरबर पागल हो गया सर पीटने लगा कपड़े फाड़ने लगा और उसने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ जी हाँ दोस्तों ये एक तहरीरी तौर पे एक मुस्बिल का मंज़र ख्याली पेश किया गया था कि पाकिस्तानियों के पास इससे ज़्यादा और डाटा मिलेगा क्या यही डाटा मिलना है उनको ऐसे डाटा का उन्होंने क्या करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता लगे रहो जैसे पहले लगे हुए थे जैसा डाटा आपका पहले भी जा रहा था अब भी जा रहा है बस ट्रांसपेरेंसी हो गई है टेंशन की कोई बात नहीं है परेशानी की कोई बात नहीं है जैसे पहले व्हाट्सअप यूज़ करते रहे वैसे अब यूज़ करते रहें अपना ख्याल रखिएगा रिलैक्स रहें अल्लाह हाफिज़